Yaşlanmış mı çıkan mı sat? Mabet Muskan. Ranti isim bölümden mi çıkan mı sat? Kampanya. Peki hayır sen? Alhamdülillah. Sen mesela ama hamle bir alim sahib ki bahs sune de ki inna mal amalo bil sawatim amalo ka darumadar khatme par hai. Hello? Aap bol rahe hain, aap se bol rahe hain? Nahi nahi ji, hum MP se bol rahe hain. MP se? Ji ji. क्या खुश है मेरी फिर से आवाज नहीं आई। वो हदीस बता रहे थे आलिम साहब के इन्नमल अमालु बिल खवातीन अमलों का दारो मदार खात्मे पर है और खात्मे की फिक्र करना चाहिए आदमी को। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और कैसे मतलब इसको कैसे इस पर कायम रहा हमको मालूम है। अच्छा नहीं आप तो वो तो बुखारी की रिवायत है। असल एतबार खात्मे का जिसका खात्मा ईमान से हुआ वो जन्नत में जाएगा और जिसका खात्मा गैर ईमान से हुआ जहन्नम में जाएगा। मेरे को ये याद है कि आप बोल रहे हैं तो हम तहकीक करेंगे। जी जी हम लोगों को जो मालूम है ये तो बुखारी की पहली रिवायत है। हाँ पहली रिवायत है वो मुझे याद है। जी जी ये तो सभी को याद है लेकिन ये इन्नमल अमल किताब में इन्नमल बुखारी में ही है ना है बुखारी में कौन सा सफ़े पे कौन सी लोग वो हवाला बताए थे याद नहीं है तो इसलिए हमने आपसे रुजू किया कि चलो मुफ्ती साहब बताएंगे। तो आप पूछ लीजिए मेरे को याद नहीं आ रहा था उसको देख लेंगे हम। जी जी तो वो एक तजस्सुस पैदा हो गया था कि इससे क्या मुराद है मतलब कैसे खात्मे का आदमी वो ख्याल रखे या भैया अभी हमको याद ही था आपको मुफ्ती कैसे बताएंगे मतलब ये है ना तो देख लेंगे उसके आगे पीछे देखेंगे तब ना आपको समझा सकेंगे। बता रहे थे अभी इतनी मालूम नहीं है मेरे जहनी में नहीं है तो हम कैसे बता सकते थे हम मेरे जहन में वो है अलइबरत बिल खवातीम एतबार इंसान का खात्मे पर है। ठीक है जी 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 सही है। खात्मा होगा उसके मुताबिक उसके अभी फैसला होगा। खात्मे की फिक्र कैसे करेगा आदमी अच्छे अमल करे बुरे अमल से बचे और हक जमात से अलग होकर अच्छे अमल करे तो क्या नहीं समझा इन्हें हक जमात के साथ नहीं जुड़े हक जमात से अलग होकर अच्छे अमल करे तब उसका अंजाम किन कैसे होगा। जमात में जुड़ना या जमात में लगना ये तो कहीं नहीं है। जमात के साथ रहना ये है कि जब इंसान जमात के साथ होता तो अल्लाह की मदद होती है। ठीक है अब आपकी फिक्र आपके ख्याल क्या ये तो मेरे को पता नहीं है। जी 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 ठीक है अच्छे आमाल चाहे जमात में रह करके हो चाहे जमात से अलग होकर के हो वो आमाल जो अल्लाह से अल्लाह जिस आमाल को करने के लिए अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा और जिन आमाल पे चल करके सहाबा कामयाब हुए ठीक है उन आमाल पे अगर कोई चलता है चाहे वो तबलीगी जमात में नहीं लगता है या किसी और जमात से नहीं जुड़ता है तो भी वो जन्नत में जाएगा। लेकिन वो मौलाना तो बता रहे थे कि एक हदीस है सही मुस्लिम में किताबुल इमारा में कि जो जमात से अलग हुआ इसी हाल में मरा वो जाहिलों की मौत मरा। वो हदीस नहीं है मन शुद्ध फिन्नार जो जमात से अलग हुआ यानी जमात से या मुराद जो है वो ये दुनियावी जमात नहीं है सहाबा की जमात है ताबईन की जमात है तबे ताबईन की जमात है तो वो यही बोल रहे हैं कि इससे मुराद अहले हदीस है तुम अहले हदीस से जुड़े नहीं हो तो तुम्हारा अंजाम जाहिलों की मौत पर होगा। बिल्कुल गलत बोला झूठ बोला सहाबा की मौजूदा की जमात अहले हदीस की जमात नहीं थी बिल्कुल नहीं थी कौन बोल रही थी ये मौजूदा अलदीज ये गैर मुखलिस ये तो मौजूदा नहीं मौजूदा मुंह से बोलते ये मुंह से बोलते हैं सहाबा की जमात लेकिन सहाबा को खुद ही नहीं मानते हजरत उमर फारूक को नहीं मानते जामिया मोमिनीन है आदमी के फैसले को नहीं मानते। मुझे आपने कहा मौजूदा अलदीज मतलब वो अलदीज थे सहाबा इमा नहीं थे सर अलदीज मैं बता रहा हूँ उस जमाने में अलदीज का मतलब ये था जो हदीस के लिए अपनी जान को माल को अपने वक्त को मुकम्मल कुर्बान कर दिया और अहादीस के जुस्तजू में अहादीस की तलाश में वो दुनिया फिरा करते थे। वो एक हदीस बता रहे थे सही मुस्लिम की और उसमें बहुत सारे इमामों का कॉल भी दिखा रहे थे कि इससे मुराद अहले हदीस जमात है कि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ना ज़ाहिरी ना अलग मेरी उम्मत का एक गुरु हमेशा आपके रहेगा नुकसान पहुंचाने वाले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते इसके इमाम अबूनी पर शागिर्द से लेकर इमाम सीटी तक सबने कहा कि टाइफ अगर अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते वो कौन है कयामत तक और आप तो बता रहे कि मौजूदा की तरफ गलत बताया बिल्कुल गलत बताया मौजूदा गैर मुकल्लिद है वो अहले हदीस सही नहीं बहुत सारे अहले हदीस के मतलब जितनी हदीस है सबको मानो
चाहे वो सही हदीस हो कि सही हदीस हो, हुजूर की जुबान से सही है, हुजूर की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज है वो हदीस है, हम नहीं जानते सही आप मौजूद, हम नहीं जानते सही, अल्लाह के नबी के जो अमल है वो हदीस नहीं है, अब बिल्कुल हदीस है, मैं कहा करा हदीस नहीं, सुनना तो हदीस तो एक हो गई ना, हदीस तो वो है जो हुजूर ने कहा, जो हुजूर ने किया, जो हुजूर ने करते हुए देखा साहबा को और हुजूर ने उसमें नकीर में पढ़ा, ये सारी हदीस है, तो सुन्नत भी हो गई ना फिर, ये तो सुन्नत भी तो वही है, थोड़ा सा फर्क है जनाब, हदीस और सुन्नत में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, लेकिन इमाम नौवी ने चार इमामों के कॉल नकल की, इमाम बुखारी, इमाम हम्बल, इमाम काजी, इमाम नौवी का, वो चारों इमामों ने मौजूदा जमाने के गैर मुकल्लिद को हदीस कहा है, वो कयामत तक बताया उन्होंने, झूठ बोला है वो, ये हदीस नहीं है, इमाम नौवी ने झूठ बोला, दीन से अलग हो चुका है, ये बात कौन से मौजूद ने कही, ये बात कौन से मौजूद ने कही, ये बात कौन से मौजूद ने कही, कई जमाने में जो हदीस, इमाम नौवी ने कहा कयामत तक, कयामत तक अल्लाह के नबी ने कहा, इसकी शरह क्या हो गए, पहले गुमराह हो गए, नहीं नहीं पहले गुमराह हो गया, नहीं नहीं फिर तो हमको भी अलग हदीस होना चाहिए ना, जो हदीस नहीं पढ़ता है, जो हदीस पढ़ा रहे देवंद रहे और नदवे में या मकान में, वो कौन, वो क्या होंगे, नहीं तो उनको फिर अहले हदीस बोलना चाहिए ना, हम इन्हें भी बोले क्या होंगे, अरे जैसे मैं अहले हदीस बन जाऊँ, आप अहले हदीस बन जाए, वो अहले हदीस गैर मुकल्लिद को छोड़ो, अरे हम लोग अहले सुन्नत वल जमात है, हुजूर ने फरमाया कि जो अहले सुन्नत वल जमात अलग हुआ जहन्नम में जाएगा, तो अहले सुन्नत जो अलग हुआ वो जहन्नम में जाएगा, तो अहले हदीस नहीं है।